हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनु एंड गर्ल। तो आपको तो बेसिकली पता ही होगा वीडियो किस बारे में है। यस, एफबी का अकाउंट परमानेंटली कैसे डिलीट करें। बहुत लोग डिलीट कर लेते हैं, पर क्या होता है कि सर्चिंग बार में उनका अकाउंट शो हो जाता है। तो हम इस तरह डिलीट करेंगे कि आपका अकाउंट सर्चिंग बार में कहीं पर नहीं मिलेगा। तो ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फेसबुक ओपन करना है। फेसबुक ओपन करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है स्क्रॉल करके। फिर यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग पे क्लिक करना। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अकाउंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, बहुत सारे होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अकाउंट में जो पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन है इसी पर क्लिक करना है। इसी पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, नेम, कॉन्टैक्ट इन्फो, आइडेंटिटी, ये सब बेकार है। तो आपको जो सबसे लास्ट में है उसी को चूज़ करना है, अकाउंट और ओनरशिप एंड कंट्रोल में क्लिक करना है। तो इसको इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा डीएक्टिवेशन एंड डिलीटिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाएगा, डीएक्टिवेट अकाउंट, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। इस पर अगर आप क्लिक करके डिलीट करोगे तो क्या होगा, आपके सर्चिंग बार में आपका अकाउंट शो होगा। पर आप डिलीट अकाउंट करेंगे ना तो आपका सर्चिंग बार में आपका अकाउंट शो नहीं होगा। तो हम मैं रिकमेंड करूँगी डिलीट अकाउंट पर क्लिक करिए, फिर कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीट। यहाँ पे ऑप्शन मांगेंगे किस लिए डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कुछ ना बोल के कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम वेट करने के बाद परमानेंट डिलीट अकाउंट ये सब आ जाएगा। तो सबसे नीचे ये स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाइएगा, फिर डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको एक बार पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड दे दीजिएगा, मैं आपका पासवर्ड दे रही हूँ। मैंने अपना पासवर्ड दे दिया। इन लास्ट कंफर्म परमानेंटली अकाउंट डिलीशन, तो यस हमें डिलीट करना है, तो अकाउंट डिलीट। आपको ऊपर देख सकते हो लिखा आ रहा है योर अकाउंट इज शेड्यूल फॉर परमानेंटली डिलीशन। तो हो गया, आप हमारा डिलीट 30 डेज तक वेट करेगा। देख सकते हैं तो हमारा अकाउंट डिलीट हो गया है।